डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो ऑल, आई एम पार्थ गुप्ता। सीएससी 2021 में मैंने 72 रैंक हासिल किया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने ऑप्शनल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे। इस बार यानी सीएससी 2021 में आई गॉट 287 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। पेपर वन में 136, पेपर टू में 151 और दिस वॉज माई सिक्स्थ अटैम्प्ट। इससे पहले मैं इंक्लूडिंग दिस आई हैव रिटन 5 मेन्स, जिसमें मेरे थर्ड मेन से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मेन से आई एम स्कोरिंग अबव एवरेज मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें थी जो मेरे फेवर में वर्क की, जो मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँगा ऑप्शनल से रिलेटेड। तो पहली चीज़ है कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करते हैं। देखो, जब मैं इस पोजीशन में था कि मुझे अपना ऑप्शनल चूज़ करना था, तो मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव्स थे। एक था मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ चूज़ करूँ और दूसरा था कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से कोई सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ। तो ग्रेजुएशन मेरी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और यूपीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर करता है, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा थे। तो फिर वो चीज़ के कारण मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं लिया। और आर्ट्स बैकग्राउंड में मेरे पास ऑप्शंस थे हिस्ट्री, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी, और जो भी मतलब लोग कॉमनली फॉलो करते हैं। तो मैंने हिस्ट्री चूज़ किया बिकॉज बैंगलोर में जहाँ पे मैंने स्टडी अपनी शुरू की थी, वहाँ पे देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। इनफैक्ट एक जो कैंडिडेट था उसने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था हिस्ट्री ऑप्शनल से, और बाकियों ने, एक दो ने मेंस भी लिखे थे हिस्ट्री ऑप्शनल से। तो वो फैक्टर था जिससे मेरे को लगा कि यार यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल की गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। मेरे मेंटर भी हिस्ट्री ऑप्शनल से थे। अगर किसी और को कोई और फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक फैक्टर रहता है कि कंटेंट मिलेगा कि नहीं और उस लैंग्वेज में मिलेगा कि नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से करते हैं, तो हिंदी मीडियम में कंटेंट मिलेगा कि नहीं, फिर आपको अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी उस जगह पे कि नहीं, और उस सब्जेक्ट का ओवरऑल स्कोर कैसा आ रहा है पिछले कुछ सालों से। वैसे ये कुछ लोग कहते हैं कि इट कीप्स वेरिंग, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप इस ट्रेंड को एनालाइज करो तो बेटर रहता है, क्योंकि ऑप्शनल इज़ नॉट अ फेयर गेम। कुछ ऑप्शनल हैं जिनको अच्छा स्कोर मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज़ें भी फैक्टर इन करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स ज्योग्राफी ऑप्शन ले लेते हैं सोच के कि ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल होगा, और बट मुझे लगता है कि आपको और भी फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शनल। अगर आपने एक बार ऑप्शनल चूज़ कर लिया, जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ कर लिया, तो फिर आते हैं उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। तो मुझे लगता है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उसकी अच्छे से मतलब दिन में 4 या 5 घंटे अगर आप ऑप्शनल को दे रहे हैं और एक प्रॉपर प्लान्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 6 महीने बहुत अच्छा टाइम है, बहुत इनफ टाइम है इनफैक्ट। क्योंकि ऑप्शनल में जो भी आपका सिलेबस रहता है, आप सिलेबस का 100% कभी कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए यार 85-90% तक हो जाए, क्योंकि 10% वो रहेगा, ग्रे एरिया में रहेगा। तो अभी आपको जो इतना सिलेबस कवर करना है, इसके लिए 6 महीने में कैसे करेंगे। अब मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें ये था कि 1 महीना फॉर 1 मॉड्यूल, जैसे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, तो 1 मंथ पर मॉड्यूल। तो उसमें क्या था कि एक हफ्ता मैंने एक सेक्शन को दिया, हफ्ते के एंड में उस पर मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया, 1 घंटे या 1.5 घंटे का एग्ज़ाम दे दिया। उससे क्या हुआ, आपने जो भी पढ़ा था हफ्ते में, उस जिसके भी नोट्स बनाए थे, एट द एंड आपने वो नोट्स रिवाइज करके एग्ज़ाम भी लिख दिया, तो आपका पूरा कंसोलिडेशन हो गया। तो इस तरह से आपने अपना एक कंसोलिडेटेड वो जो उसकी होती है नींव, वो रख दी है। उसके वैसे ही आपने मेडिवल किया, मॉडर्न किया, वर्ल्ड किया, और अब क्या ये 4 महीने में आपके पास क्या क्या चीज़ें तैयार हो गई, आपके एक अच्छे नोट्स तैयार हो गए हैं, ठीक है, आपके पास आंसर राइटिंग के लिए थोड़ी सी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। अब जो 2 महीने बचते हैं उसमें आप जो भी बचा कुचा अपना ऑप्शनल है उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना है कि कैसे करना है, मतलब उस 2 महीने में 15-15 दिन का गैप रखना है या कैसे करना है।
नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 महीने 3 मॉड्यूल्स को दे दिए, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत कम आता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एरिया तुमने प्रीलिम्स के बाद कवर कर लिया। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है तो लोगों को टेंशन होने लगती है, तो ऑप्शनल का जो टाइम होता है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी पे फोकस करने लग पड़ते हैं, तो वैसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जब आपने टाइम डिवाइड कर दिया, फिर आपके पास होता है कि आपकी बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट की जहाँ तक बात करें तो एंशियंट के लिए मुझे लगता है उपेंद्र सिंह इज़ द बेस्ट सोर्स। उसके अलावा अगर आपको प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से कवर करना है साइट्स को, तो वीके जैन करके एक किताब आती है, वो भी अच्छी है, उसमें साइट्स थोड़ी बहुत दी हुई हैं। बट अगर आप उपेंद्र सिंह भी पढ़ रहे हो, ओनली उपेंद्र सिंह इज़ ऑल्सो इनफ। फिर आता है सेकेंड मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए इग्नू के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, हमारे सिलेबस के ओरिएंटेड ही उनके चैप्टर्स भी डिवाइडेड हैं। अभी उसमें भी सारे पूरे नोट्स मत पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स उसमें हमारे सिलेबस के बियॉन्ड हैं। तो सिलेबस पढ़ना पहले, फिर उसमें देखना कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। फिर मॉडर्न के लिए, अच्छा मेडिवल के लिए इग्नू हो गया, उसके अलावा आपका जे एल मेहता की किताब आती है या फिर सतीश चंद्रा, इन दोनों में से कोई एक पढ़ना। सतीश चंद्रा के जो 2 वॉल्यूम्स वाला वर्जन आता है वो। फिर उसके अलावा आता है मॉडर्न। मॉडर्न में बिपिन चंद्रा की किताब है ही, स्पेक्ट्रम है, और उसके अलावा शेखर बंदोपाध्याय की किताब है। ये तीनों किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा स्कोप बचता है कुछ और पढ़ने का। और वर्ल्ड के लिए कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। वर्ल्ड के लिए आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर या कह सकते हैं 20th सेंचुरी का जो पीरियड है वो तो नॉर्मल लॉ में अच्छा दिया हुआ है, बट जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th और 20th सेंचुरी और उससे पहले वाला जो पीरियड है उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, अगर आप उनको बाय कर लेते हो तो आपको एक कंसोलिडेटेड नोट्स मिल जाएंगे जिनमें से आप अपने नोट्स बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो मेरे को लगता है आप सभी सब्जेक्ट्स के सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स खरीद सकते हो, क्योंकि वो खरीदने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें उन्होंने काफ़ी सोर्सेज को कंबाइन करके नोट्स बनाए हैं। तो लेकिन उनको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको ये चीज़ थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। उसके अलावा ये तो हो गया कि आपने किताबें कौन सी पढ़नी है, अब होता है नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो, कोई भी किताब जब आप पढ़ते हो पहली बारी तो तब नोट्स मत बनाना, क्योंकि पहली बारी जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार सब कुछ इंपॉर्टेंट है और हमारे नोट्स एक अलग किताब बन जाते हैं, तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। आपको एग्ज़ाम जब देना है तो एग्ज़ाम से पहले हमें 5 दिन की छुट्टी मिलती है, उस 5 दिन की छुट्टी में हमें वो पूरा रिवाइज़ करना है अपना ऑप्शनल। यानी कि आप देख लो कि हर मॉड्यूल के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 दिन मिलता है, तो उस 1 दिन में आपको अगर पूरा रिवाइज़ करना है तो आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होने चाहिए। मतलब आपके पास सिर्फ पॉइंटर्स में नोट्स होने चाहिए, उसमें कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कुछ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आपके नोट्स वैसे होने चाहिए। इसके लिए अब ये ऐसे नोट्स कैसे बनाने हैं, पहले आप एक टॉपिक किताब से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद उसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो क्या आए हुए हैं। जब आप क्वेश्चंस देख लोगे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को नोट्स भी इसी तरह से बनाने चाहिए कि मेरे नोट्स में से ही इसके आंसर्स निकल जाएं। फिर जब वो कर लिया, फिर आप उसके बाद अपनी बुक दोबारा से पढ़ो, वो टॉपिक पढ़ो, और फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। अब नोट्स बनाते समय बहुत सारे लोग सिर्फ लिखते ही हैं, लेकिन आपको नोट्स में अपने मैप्स बनाने चाहिए, डायग्राम्स बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट्स में ये चीज़ें बनाओगे तो आपके आंसर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, तो और जब आपके आंसर में ये चीज़ें आएंगी तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे जो लगता है कि मेरा जो प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो रहे हैं, जैसे मेरा 2019 में मेरा स्कोर 269 था और इस बार 287 है, तो एक जो मेजर डिफरेंस रहा वो यही था कि इस बार मैंने डायग्राम ज़्यादा बनाए थे अपने पेपर 2 में खासकर। और ये तो हो गया आपका नोट्स का। अब एक और चीज़ आती है इसमें, इसमें पेपर 1 एंशियंट में मैप सेक्शन रहता है विच इज़ ऑफ 50 मार्क्स, और मैप सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है। अगर आपने इसमें अपनी साइट को सही से आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर कुछ एक जेनेरिक पॉइंट्स भी लिख लिए तो आपको 2.5 में से आपको 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, विच इज़ मोर देन द एवरेज स्कोर यू गेट फॉर एनी अदर क्वेश्चन। तो ये मैप सेक्शन जो है इसको कैपिटलाइज करो, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो हम क्या करते थे,
पहले तो हम हर एक जो फेज़ है अपनी हिस्ट्री का, जैसे कि न्योलिथिक हो गया या ऋग्वेदिक या PGW, जो भी, हर एक फेज़ पे आप एक मैप तैयार कर लो, ठीक है। वो मैप तैयार कर लिया आपने तो फिर उसी मैप को थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। फिर मैप तैयार करने के बाद आप उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कुछ बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लो, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो वो याद नहीं रहेगा। बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके लिए उनकी रिवर्स याद कर लो कि कौन सी रिवर के किनारे पे है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट तो पता चल ही जाता है, तो ये सब चीज़ें याद रख लो। उससे क्या होता है कि जब एग्जामिनर या आपके पेपर करेक्शन करने के लिए आएंगे तो जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट पढ़ के आया है, और उनको नंबर देने में कोई हिचक नहीं होगी। तो मेरा मैप सेक्शन मेरा एक स्ट्रेंथ रहा था हमेशा से। दूसरी चीज़ क्या है, मैप प्रैक्टिस। एक तो आपने अच्छे नोट्स बना लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैप प्रैक्टिस। और मैप प्रैक्टिस की एक चीज़ होगी आपकी टेस्ट सीरीज़, जो आप अपने ऑप्शनल के लिए ज्वाइन करोगे तो उसमें तो होगी ही। उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है डेली प्रैक्टिस। तो हम लोग क्या करते थे, वी वर ए ग्रुप ऑफ 5 to 6 पीपल, हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया एक, और उसमें हम अपना डेली का एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैप डालेंगे, उसमें वो 10 पॉइंट्स मार्क करके देते थे। सो वी हैड टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स, और उस पर कुछ 2-3 पॉइंट्स हम लिख लेते थे। उससे हमारी प्रैक्टिस होती थी, हम आइडेंटिफाई कर पाते थे, और कुछ यूनिक पॉइंट्स होते थे जो हमारे मैप में नहीं होते थे, वो हम लिख भी लेते थे, अपने मैप पे नोट डाउन कर लेते थे। तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, और मैप अगर आप अच्छा प्रिपेयर करोगे तो आपके प्रीलिम्स में भी 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी ऐसे मैच द फॉलोइंग आते हैं कि ये टेम्पल कहाँ पर है, ये केव्स कहाँ पर हैं। तो वो अगर आपका मैप स्ट्रांग होगा तो आपकी ये चीज़ें भी अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये हो गया आपका नोट मेकिंग कैसे करना है, आपको मैप्स कैसे ड्रॉ करने हैं। फिर आंसर राइटिंग पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ही था, पर अब डिटेल में करते हैं डिस्कस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो देखो, आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए एक होती है डेली आंसर राइटिंग। आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, 2-4 टॉपिक्स प्रिपेयर किए, और उसके एक दिन में एक आंसर लिख दिया एटलीस्ट, फिर आपने किसी अपने फ्रेंड को या किसी सर को दिखा दिया वो आंसर। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि 3 घंटे में आपको अपना वो पेपर ख़त्म करना है। ऑप्शनल का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, GS का पेपर फिर भी आप ख़त्म कर लोगे, ऑप्शनल का पेपर ख़त्म करना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट आपको स्क्वीज़ करके एक आंसर में लिखना होता है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑप्शनल में देर आर अराउंड 19 क्वेश्चंस जो आपको लिखने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो लेंथ होता है वो वेरी करता है। कुछ 10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 20 मार्क के होते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा मैनेज करना होता है। तो मुझे लगता है ऑप्शनल के लिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए टेस्ट सीरीज़ हेल्प करेगी। अब आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि आपका आंसर एक नेचुरल फ्लो में आना चाहिए। ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर आंसर की डिमांड है वैसी तो आपको पॉइंट्स में लिखना चाहिए, बट जनरली आपको पैराग्राफ्स में लिखने चाहिए आंसर्स। ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मैं जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, क्या होता था कि मैं paper 1 में पैराग्राफ्स में लिखता था, paper 2 में पॉइंट्स में लिखता था, तो आई यूज़ टू गेट 140+ इन paper 1, और paper 2 में 120-130 ऐसा स्कोर रहता था। इस बार मैंने paper 2 थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर किया था, और paper 1 में मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, और paper 2 में मैंने पैराग्राफ में लिखे आंसर्स, तो आई गॉट रिवर्स। paper 1 में मेरा 136 रहा, paper 2 में 151। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद हिस्ट्री ऑप्शनल में वो देखते हैं कि ये पैराग्राफ्स में लिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपना, एक आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा ही, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन में जो भी आप जिस फेज़ के ऊपर आंसर दे रहे हो उस फेज़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो। जैसे कि अगर आप ऋग्वेदिक फेज़ के बारे में आंसर दे रहे हो कि सपोज़ द क्वेश्चन इज़ ऑन पोजिशन ऑफ वुमेन इन ऋग्वेदिक एज, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे आता नहीं है कभी, तो बट सपोज़ ये की आइडिया है क्वेश्चन का, तो आप ऋग्वेदिक एज के बारे में बताओ कि ऋग्वेदिक एज उसका क्रोनोलॉजी बता दो। एक ये प्रीवियस ईयर एक टॉपर है, उन्होंने भी ऐसा किया था, तो मैंने ये चीज़ अपने आंसर्स में डाली, तो उसका एक बता दो कि उसका टाइम पीरियड क्या था, ऋग्वेदिक एज ब्रैकेट में 1500-2000 BC। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस बंदे ने डिटेल में स्टडी किया है, एंड ही नोज़ द नैक ऑफ राइटिंग आंसर्स, तो वो आप चीज़ बता दो। या हो सके तो अगर कोई रीसेंट कोई इवेंट है जो कि इस चीज़ से, जैसे कि अगर कोई रीसेंट कोई टॉक आपने सुना हो जिसमें ऋग्वेदिक एज पे कुछ आया हो,
तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो कि रिसेंटली दिस वाज मेंशनड, या रिसेंटली एक डिबेट चल रहा था इंदस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, या राखीगढ़ी में एक्सकेवेशन हुई है। तो ये चीज़ जब आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि यार द पर्सन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बुक्स, बट वो लिंक कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। और कंक्लूजन में आप लिंक कर सकते हो प्रैक्टिसेस को, कि जैसे सपोज अर्बन प्लानिंग जो है, जो इंदस वैली सिटीज़ में होता ही है, तो इट इज़ वेरी इजी टू लिंक अर्बन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन टाइम्स टू प्रेजेंट डे सिटीज़। तो उनकी जो प्लान्ड लेन्स होती थी, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स होते थे बिल्डिंग्स के, वो चीज़ें आप कह सकते हो कि आज के टाइम में भी वैसा कुछ हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप लिंकिंग करोगे ना चीज़ों की, और आप लेसन्स ड्रॉ करने की कोशिश करोगे हिस्ट्री से, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा आपके पेपर करेक्ट करते समय इस बार। और ये चीज़ आपकी मॉडर्न इंडिया में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी। तो जब मैंने पेपर टू इस बार जब मैं लिख रहा था, तो मैंने ये चीज़ वॉलंटरीली करने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है ये इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं हमारे स्कोर्स को। आप मैप्स को जितना हो सके डालो अपने पेपर्स में, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं मैप्स, और मॉडर्न इंडिया में भी आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मॉडर्न इंडिया में बताना है कि रेवेन्यू सेटलमेंट्स कितने तरह की रेवेन्यू सेटलमेंट्स थी और क्या उनका इम्पैक्ट हुआ, तो पहले आप एक मैप में बता सकते हो कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट है, यहाँ पे रैयतवारी सेटलमेंट है, यहाँ पे महलवारी सेटलमेंट है। तो जब आप ऐसा करोगे तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ, ये बंदे ने काफ़ी अच्छे से समझा है चीज़ों को, और उसको भी मोनोटोनस नहीं लगेगा। इतने पेपर आते हैं, इतना पेपर चेक करने हैं, तो जब एक मैप दिखता है थोड़ा सा अलग सा लगेगा, तो उनको लगेगा कि हाँ, इसने लिखा भी सही होगा, तो वो नंबर भी दे देंगे। तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो इसमें। तो एक बार आंसर राइटिंग भी हो गई, इवेल्यूएशन भी हो गई, उसके बाद काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमें कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। तो कोचिंग के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन की थी, मैंने GS4 की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी 2019 के अटैम्प्ट में, और 2021 में मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की ज्वाइन की थी। बोथ वर इक्वली गुड, और मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ का जो मेन पर्पज़ होता है कि आपका एक सिलेबस रिवाइज हो जाता है अच्छे से, कवर हो जाता है अच्छे से, तो आप उस पर्पज़ से अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो तो अच्छा है। इवेल्यूएशन ऑन द होल सेम रहती है सबकी, तो मुझे लगता है यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऑप्शनल में आपको ध्यान में देनी चाहिए। और अगर आपको ऑप्शनल में सही में इंटरेस्ट है, तो आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यही मेरा मैसेज है आपको, ऑल द बेस्ट, अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार करें, और ऑप्शनल का स्कोर आपके रैंक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो इसीलिए ऑप्शनल को कभी निग्लेक्ट मत करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।